अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में हैं और आपके नंबर पे नेटवर्क नहीं आ रहा, चाहे वो जियो का सिम हो, वोडा का सिम हो, आइडिया का सिम हो या एयरटेल का सिम हो, कोई भी सिम हो इंडिया का हो, और आप इंटरनेशनल रोमिंग में हैं और आपके नंबर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये तीन सेटिंग कर ले, 100% आपके नंबर पे नेटवर्क आ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मैं हूं फैसल शेख और आप देख रहे हैं फैसल टॉक। दोस्तों आज हम आपको एयरटेल हो या वोडा, जियो, आइडिया, कोई भी कंपनी हो इंडिया की और आप इंटरनेशनल रोमिंग में हैं, आपको मैं सिर्फ तीन सेटिंग बताऊंगा। इस तीन सेटिंग में करते ही आपके नंबर पे 100% नेटवर्क आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, जो सबसे पहली सेटिंग है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखेगा नेटवर्क सेटिंग, यहाँ दोस्तों नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा डेटा रोमिंग, इस पर भी एक बार क्लिक कर लें आप। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा इंटरनेशनल रोमिंग, यहाँ दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेवर, आप इसको करना क्या है, इसको कर देना है ऑलवेज, यहाँ दोस्तों ऑलवेज कर देना है। ऑलवेज करते ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा, विल यू चार्ज आफ्टर टर्न ऑन इंटरनेशनल डेटा रोमिंग टर्न ऑन ऑलवेज, यहाँ दोस्तों इसको अभी क्लिक कर दे और इसे टर्न ऑन कर दे दोस्तों, क्योंकि आप हैं इंटरनेशनल रोमिंग में। डेटा लिमिट आप इस पर भी कर सकते हैं, अगर आप डेटा लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ पर कर सकते हैं एक्टिवेट, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे आप डीएक्टिवेट मतलब ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये तो ही दोस्तों पहली सेटिंग, इंशाल्लाह ये इसमें ही आपका नेटवर्क आ जाना चाहिए। अगर नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो वीडियो में बने रहें, आपको मैं सारी सेटिंग्स बताऊंगा एक एक करके और आपके नंबर पे 100% नेटवर्क आएगा दोस्तों। तो ये वह पहली सेटिंग दोस्तों। दूसरा ये है कि आप ये भी चेक कर लें कि आपका फ़ोन अपडेट तो नहीं मांग रहा है, एक बार ये भी ट्राई कर लें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन अपडेट मांग रहा है, इसे अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपका फ़ोन अपडेट मांग रहा है और नेटवर्क नहीं आ रहा और अपडेट मांग रहा है, तो अपडेट ज़रूर कर ले अपने फ़ोन को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐप हो या कि कोई फ़ोन अपडेट मांग रहा होता है और उसे अपडेट नहीं करते हैं आप, तो आपकी कई सारी चीज़ें, कई सारी सेटिंग्स जो है, कई सारे ऑप्शंस काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपडेट ज़रूर कर लें। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको करना क्या है, आपको अपने इसमें जाना है कीपैड में और आपको डायल करना है सिंपली *#, फिर *#, फिर ##। उसके बाद आपको डालना है 6464 एंड 6663। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे ##, फिर आपको डालना है *#, फिर ##। उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पे डाल देना है *#। डालते ही दोस्तों आपको एक सेटिंग खुल के आएगा, यह देख सकते हैं यहाँ पे एक आ चुका है, चेक वर्जन इन्फो एंड चेक सिम कार्ड। दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिम कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अगर मेरे फ़ोन में, मेरी सिम्स में सेटिंग कोई प्रॉब्लम होती या मेरा सिम बंद होता या कोई भी दिक्कत होती, तो यहाँ पर ये लिख के आता नॉट रेडी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में सिम कार्ड, सिम वन कार्ड रेडी एंड टू सिम कार्ड रेडी, यानी दोनों में रेडी बता रहा है, क्योंकि दोनों सिम मेरा एक्टिवेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी सिम में, इसलिए ये एक्टिवेट है। अगर दोस्तों आपके सिम में यहाँ पे बताएगा नॉट रेडी, तो समझ लेना आपके सिम में कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। ये तो हो गई दूसरी सेटिंग, इसको हम एग्जिट कर लेते हैं दोस्तों। अब फाइनल ये लास्ट सेटिंग है, ये सेटिंग करने के बाद 100% दोस्तों आपके नंबर पे नेटवर्क आ जाएगा, गारंटी है दोस्तों। आपको क्या करना क्या है कि आपको डायल करना है सिर्फ *#, फिर *#, फिर ##। उसके बाद आपको दोस्तों डाल देना है 4, 6 एंड 3, 6। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम आएगा, या फिर आप नोट कर लें किसी चीज़ में। फिर दोस्तों आपको टाइप करना है यहाँ पे ##, और फिर *#, फिर ##, और फाइनली यहाँ पे *# डालना है। *#* डालते ही आपके सामने ये तीन और सेटिंग्स खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि अगर आपका इंडिया वाला सिम एक नंबर में लगा है, तो एक नंबर को ओपन कर लें, और दो नंबर पे लगा है तो दो नंबर पे ओपन कर लें। अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं टेस्टिंग, यहाँ पे आपकी आपके नंबर की टेस्टिंग हो रही है, आपके सिम में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मेरे नंबर पे, एक नंबर पे मेरा इंडिया वाला सिम लगा हुआ है, तो मैं इसको एक नंबर वाले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मोबाइल रेडियो पावर, जहाँ दोस्तों इस पर आपको सिर्फ इसको क्लिक करते ही, तो अगर आपका ऑन है तो ऑफ़ कर दें, और ऑफ़ है तो इसे ऑन कर दें। करते ही दोस्तों ये अपने आप ऑन हो जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन रीस्टार्ट मतलब नेटवर्क जो है फिर से बंद होकर फिर से चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क फुल हो चुका है। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपली आपको बैक हो जाना है, एक दोबारा इसे आप ऑन ऑफ कर दें मोबाइल रेडियो पावर को, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो पावर बटन है आपके फ़ोन का उसको एक बार क्लिक कर दें, दबा दें ऐसा करके, और आपको रीस्टार्ट कर देना। जहाँ दोस्तों रीबूट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस पर आप क्लिक कर दें, इस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन स्टार्ट होगा, उसके बाद 100% आपको नेटवर्क आपके नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही, इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो बेझिझक आप हमसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।